हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपको कि अगर एक पाइप दे रखा होता है, उस पाइप में डिस्चार्ज नहीं दे रखा होता है, वेलोसिटी नहीं दे रखी होती है, तो कैसे निकालते हैं, और सिर्फ पाइप का डाया दे रखा होता है। तो जो साथी हमारे इस वीडियो पे पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारा पाइप है, पाइप का डाया सेम है, पाइप का डाया हमारा 0.225 मीटर दे रखा है। ठीक है, और ये वाला जो पाइप है, ये दो पाइप हैं, एक पाइप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म है, दूसरा पाइप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म है, लेकिन डाया दोनों का सेम है। ए पॉइंट से जो पाइप स्टार्ट हो रहा है, उसका प्रेशर 107.91 है, इसका स्लोप जो दे रखा है 1:200 दे रखा है, और इस वाले पाइप का जो डाया वो भी सेम है, 0.225, प्रेशर इसमें 53.955 दे रखा है किलो पास्कल, और पाइप के अंदर जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो है, एफ से डिनोट करते हैं उसको, 0.032। इस पाइप की लेंथ भी 790 है और इसकी भी 790 है, दोनों की 790 मीटर दे रखी है, और स्लोप इसके अंदर जो दे रखा है 1:100 दे रखा है। ये हमारा डेटम लाइन है। तो इस पाइप के अंदर में वेलोसिटी और डिस्चार्ज दोनों ही नहीं दे रखा होता है, दोनों को निकालने के लिए हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें। बर्नौलीज थ्योरम के बारे में आपको पता होगा क्या होती है बर्नौलीज थ्योरम, तो उसकी हेल्प से हम वेलोसिटी और डिस्चार्ज निकालेंगे इस पाइप का। एक हमारे दोस्त ने, सिविल इंजीनियर्स ने, हमारे साथी ने पूछा भी है कि सर, अगर वेलोसिटी और डिस्चार्ज दोनों ही नहीं दे रखा होता है, तो हम जो है कैसे निकालते हैं दोनों को, सिर्फ एरिया दे रखा होता है पाइप का या डाया दे रखा होता है। तो इसमें पाइप का डाया दे रखा है, इसकी हेल्प से हम एरिया निकाल लेंगे पाइप का। अच्छा, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी डेटम लाइन है, इस पॉइंट पे हमारा जो डेटम है यानी Z2 वो 0 है, और इस पॉइंट पर H1+H2, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये Z1 डेटम आएगा, ये भी हम निकालेंगे। देखो, इसमें स्लोप दे रखा है, इस पाइप का स्लोप 1:200 है, इस स्लोप में पाइप का जो इस पाइप में जो स्लोप है 1:100 है। अब इसकी हेल्प से, इस स्लोप की और इस पाइप की लेंथ की हेल्प से हम ये वाला H2 निकाल लेंगे, H1 निकाल लेंगे। ये निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, जो स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन है, ये वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना आप। तो उसकी हेल्प से हम H1 H2 निकालेंगे। तो देखो, Z1 क्या है हमारा, H1+H2, ये Z की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक जो है H1 और H2 है, तो हम 790/200, ये वाली हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 790/100। ये जैसे हमारा ये रन है और हमारा स्लोप दे रखा है, तो ये राइज हो गया हमारा। तो राइज निकालने का फॉर्मूला है, हम इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है, इसके हेल्प से निकालेंगे, ऐसे इसको निकाल लेंगे, तो Z1 आ जाएगा हमारा 11.85। अब इस पॉइंट पर हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है। इसमें आपको सब पता होगा, नहीं पता हो तो कमेंट्स में जरूर डालना, आपको क्या चीज़ नहीं पता है इसके अंदर में, बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में क्या नहीं पता है वो बताना हमको, तो अभी हम एक वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या है, वेलोसिटी दोनों की दे रखी है, v1 = v2 = v, दोनों की सेम स्पीड है, स्पीड सेम रहे। तो अब इसमें क्या होता है कि हम पहले लॉस ऑफ हेड निकालेंगे, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन की वजह से जो हमारा लॉस ऑफ हेड है, वो उसका फॉर्मूला क्या है, वो है हमारा HF = FLV2/2JD। हमारा फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा है, ये हमारा फ्रिक्शन फैक्टर यहाँ पुट कर देंगे हम। लेंथ हमारी पाइप की, इन दोनों पाइप की लेंथ कितनी है, दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो 1580 आ जाएगी, V² वेलोसिटी, इस पाइप की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 × g, g की वैल्यू हमें पता है 9.81 है, d डाया पता है हमें 0.225, ये हमारा डाया। ठीक है, तो HF कितना आएगा, 11.45 V², ये क्वेश्चन हमारी, इसको और ये सारी वैल्यूज को और ये जो वैल्यूज रखी हैं इस वाले क्वेश्चन में डाल देंगे। तो प्रेशर कितना है हमारा पाइप का, P1, पाइप का प्रेशर कितना है हमारा 107.91 किलो पास्कल, ये प्रेशर है हमारा। W कितना है हमारा, वो हमारा W जो होता है वो 9810 है, वैल्यू पता नहीं है हमको, तो एज इट इज ऐसे रहने देंगे इसको, 2g + 11.85, 11.85, ये हमारा Z1 डेटम। ऐसे ही अब इस वाले पॉइंट पर आ जाओ, इधर प्रेशर कितना है 53.955, ये प्रेशर है हमारा, पुट कर देंगे यहाँ पर। अब इसको किलो पास्कल को पास्कल में बनाने के लिए 10³ कर देंगे, तो पास्कल हो जाएगा, किलो पास्कल से पास्कल में चेंज करने के लिए 10³ कर देंगे। ठीक है, ये W की वैल्यू रख देंगे हम, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, प्रेशर
प्लस जेड टू, जेड टू यहाँ पर, यहाँ पर कितना है, जीरो, कोई डिस्टेंस नहीं है तो ये जीरो है, यहाँ पुट कर देंगे जीरो। और इसकी वैल्यू 11.45 V, ये एच एफ हेड लॉस ऑफ हेड, इसकी वैल्यू उठा के जो यहाँ पे है यहाँ पुट कर देंगे, तो V हमारा निकल के आ जाएगा 1.23। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो 1.23 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा V की वैल्यू निकल के, यानी वेलोसिटी इस फ्लूड के अंदर, इस पाइप के अंदर जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी 1.23 मीटर पर सेकेंड आ गई, यानी 1 सेकेंड में 1.23 मीटर फ्लो कर रही है। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है आपको? नहीं समझ में आया तो अभी बता देना मेरे को कमेंट डाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो वेलोसिटी हमारी निकल के आएगी, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया कितना है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, डी स्क्वायर 0.225 का स्क्वायर, वेलोसिटी 1.23 निकल के आ गई, डिवाइड बाई 4, तो डिस्चार्ज हमारा कितना आ गया, 0.04489, 0.04489 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो ये डिस्चार्ज आ गया हमारा, ये हमारी वेलोसिटी आ गई, दोनों निकल के आ गए, क्लियर है? तो जो हमारे सिविल इंजीनियर्स ने हमको रिक्वेस्ट की थी कि सर हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं, हमने बना दिया आपको, ये हाइड्रोलिक्स का टॉपिक है, ये सिविल इंजीनियर में आप जाओगे तो जो फ्लूड मैकेनिक है हाइड्रोलिक्स उसका ये क्वेश्चन है। तो किसी भी पाइप में अगर वेलोसिटी नहीं दे रखी, डिस्चार्ज नहीं दे रखा होता, इस तरह से हम जो है डायर दे रखा होता है, इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं वेलोसिटी और डिस्चार्ज को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।